अगर आप 2 लाख रुपए के अंदर एक स्पोर्ट्स फेयरिंग वाली बाइक ढूंढ रहे हैं तो सुजुकी जिक्सर SF155 भी आपके लिए एक ऑप्शन हो सकती है। और 2023 में ये बाइक भी E20 पेट्रोल मतलब कि BS6 फेज 2 अपडेट के साथ आई है। आप पहले प्रूफ देख लें, यहाँ पर लिखा हुआ है इसके पेट्रोल टैंक पर E20 मतलब कि 80% पेट्रोल और 20% एथनॉल से ये बाइक चलेगी। मतलब मैं आपको बिल्कुल नई बाइक दिखा रहा हूँ। तो इसमें 2023 में कौन कौन सी अपडेट हुई हैं, इसके ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कितने फीचर्स आपको मिलते हैं, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ। बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने चैनल को बाइक मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिजाइन से और आप देखेंगे डिजाइन तो वही है लेकिन जैसे कलर में थोड़ा सा अपडेट किया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो फ्रंट डिजाइन है सुजुकी की 1000 GSX RCS का जो लुक है वो थोड़ा सा इंस्पायर्ड है और एरोडायनामिक शेप में बनाया गया है और क्राउन शेप में आपको इसमें फुली LED लाइट का सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर LED लाइट का सिस्टम मिलता है और आप देख लें ये है। और मैं इसको हाई बीम करके लो बीम करके दिखा देता हूँ। तो ये है इसका फ्रंट डिजाइन। अब आप साइड से देखेंगे भाई तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ नया अपडेट हुआ है जैसे कि कलर और स्टिकर, जिसकी वजह से ये बाइक अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। क्योंकि आपने देखा था पहले जैसे जो ब्लू कलर की बाइक आती थी तो उसमें बड़े बड़े में सुजुकी लिखा हुआ रहता था लेकिन इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बना दिया गया है। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको ग्रीन और येलो का जो कॉम्बिनेशन होता है और एक्स लिखा हुआ है लेकिन ये बड़े से और आउटलाइन इसमें ग्रीन आपको दी गई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिक्सर SF लिखा है थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टिकर लगाए गए हैं जो बहुत ज़्यादा बोल्ड तो नहीं दिखते हैं लेकिन वो उनका जो फ़र्क है वो दिखता है आपको साफ साफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सुजुकी यहाँ पर लिखा हुआ है और अगर आप रियर प्रोफाइल देखेंगे भाई इस बाइक की पीछे से तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 140 mm के वाइड टायर के साथ ये बाइक आती है और ये जो आप बैकलाइट देख रहे हैं यही बैकलाइट आपको 250 cc में मिलती है। तो पीछे से तो कोई बता ही नहीं सकता यार कि ये 155 cc की बाइक है। तो 140 mm का वाइड टायर मिल जाता है और बैकलाइट इसकी काफ़ी ठीक ठाक बनाई गई है। भाई लेफ्ट साइड से दिखाओ जरा इस बाइक को। तो यहाँ पर अगर अपडेट की बात करें तो भाई इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है, खास करके अब जो ये कलर स्कीम आई है जिसमें अगर आप देखेंगे तो ग्लॉसी पैंट स्कीम आई है और उस पर ये नए स्टिकर आपको कैसे लगे दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर दें। थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखाओ भाई। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ग्लॉसी पैंट हैं, एकदम चमक रहे हैं। यहाँ पर पूरा ये ग्लॉसी फिनिश दी गई है, यहाँ पर आपको ये मैट ब्लैक दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके जैसे सीट काउल जो हैं वो भी ग्लॉसी हैं, इसके ग्रैब रेल भी ग्लॉसी हैं। यहाँ पर आपको सेंटर प्लेट जो है इसकी वो आपको मैट ब्लैक में मिल जाती है। और एक चीज़ इधर आप देख लें, ड्यूल मफलर वाला इसमें आपको साइलेंसर मिलता है। यहाँ पर 2 पाइप लगाई गई हैं जिनके ऊपर क्रोम के पार्ट लगाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपको ये क्रोम की प्लेट लगी हुई है, ये साइलेंसर पर अगर आपके पैर पड़ते हैं तो बिल्कुल कुछ दिक्कत ना हो। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एल्युमिनियम की आपको फुटरेस्ट मिल रही है, यहाँ पर स्प्रिंग वाली फुटरेस्ट मिल रही है, पूरा ये एल्युमिनियम का फुटरेस्ट पैनल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेटल की आपको प्लेट में वो मतलब ब्रेक पैडल मिल रहा है यहाँ पर लगा हुआ है जिससे इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। अब सबसे पहले मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाना चाहूँगा कि भाई ये स्टार्ट होने के बाद आवाज़ कैसे इसकी निकलती है 2023 में, कितना अच्छा साउंड है। क्योंकि ड्यूल पाइप है तो आपको आवाज़ तो सुननी चाहिए। और स्टार्टिंग आप देख सकते हैं, अब यहां पर बात करते हैं भाई सुजुकी जिक्सर के कुछ खास बातों की। जैसे कि पहले आप देख लें 240 mm का डिस्क ब्रेक है और अच्छी बात यह है कि भाई 140 mm का वाइड रेडियल टायर मिल रहा है। यहां पर नॉर्मली टायर नहीं है, ये 140/60/R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर, 240 mm के डिस्क ब्रेक है, सिंगल चैनल ABS के साथ। आगे दिखाओ भाई। अच्छी बात यह है कि इसमें 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, एक ये देख लें काफ़ी मोटी सी इसमें रॉड लगाई गई है। 266 mm की डिस्क ब्रेक है सिंगल चैनल ABS के साथ और आगे आपको 180/17 का आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। यहाँ पर आपने इंजन देखा, यहाँ पर किक लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये स्पोर्ट्स फेयरिंग वाली बाइक की कैटेगरी में आती है। इंजन दिखाओ अंदर से कि कैसा है, जैसा पहले था दोस्तों वैसा ही आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि ये SEP टेक्नोलॉजी क्या है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर जैसे कंपनी ने अंडर स्क्वायर इंजन देकर एक बेहतर फ्यूल इंजेक्शन देकर फिर इसको ऑप्टिमाइज़ किया है जिससे इनकी बाइकों में वाइब्रेशन बहुत कम होती है और साथ में ये बाइकें माइलेज देती हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे इनके स्कूटर में देखा, और अंदर से दिखाओ भाई ज़रा कि कैसा है इनका इंजन। 155 cc का एयर कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, 13.6 hp की पावर मिलती है 8000 rpm पर, और इसके अलावा 13.8 Nm की टॉर्क मिलती है 6000 rpm पर।
56 mm बोर है, 62.9 mm इसका स्ट्रोक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस बाइक का वज़न 148 किलोग्राम है। बैठ के दिखाता हूँ, ज़रा इधर से दिखाओ। 148 किलोग्राम इसका वज़न है, 795 mm इसकी सीट हाइट है। अब आप देखेंगे 795 mm सीट हाइट है तो मेरी, जैसे मेरे पैर एकदम पहुंच रहे हैं, और इसके क्लिप ऑन हैंडल बार दिए गए हैं लेकिन उनको ऊंचा रखा गया है, जिससे क्या है कि आप जैसे डेली बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते हैं तो आपके हाथों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो मेरे हिसाब से सीट हाइट भी बेहतर है और ये जो इसका हैंडल है वो भी एकदम बेहतर बनाया गया है। और एक चीज़ मैं आपको खास बात बताना चाहूँगा कि सुजुकी के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वो परफॉर्मेंस और कुछ क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, 140 mm का वाइड रेडियल टायर, 100 mm का आगे टायर, और इसके अलावा मीटर देख लो भाई ज़रा। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले तो ये इंजन किल की स्विच है, यहाँ पर आपको ये सेल्फ की स्विच है, यहाँ पर आपको ये चाबी है सुजुकी जिक्सर की, और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम पास के इंडिकेटर हॉर्न की बटन मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लें, ये नेविगेशन आपको यहाँ पर पता चलेगा। एक बार बंद करके फिर से मैं दिखाता हूँ, ये नेविगेशन के लिए दिया गया है। बाकी कॉल और SMS यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको टाइम बताएगी, और ये गियर पोजीशन इंडिकेटर, यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति लीटर मतलब कि ये रियल टाइम माइलेज ये बाइक आपको बताएगी। और इसके अलावा मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बोल्ट भी बता रही है बैटरी की, किलोमीटर ट्रिप ए और एवरेज भी बता रही है, और ट्रिप बी और एवरेज ये बता रही है रियल टाइम माइलेज। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो पेयरिंग मोड, जैसे अगर आप जब इसको कनेक्ट कर लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। न्यूट्रल की लाइट, ABS की, चेक इंजन लाइट, RPM लिमिट की लाइट इस बाइक में आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए, जो मैं आपको बता रहा था कि एक क्वालिटी वाले प्रोडक्ट होते हैं, और इसके अलावा जैसे आपको चौड़े टायर मिलते हैं, और वाइब्रेशन जो है वो ना के बराबर ही होती है, थोड़ी बहुत तो रहती है क्योंकि इंजन स्टार्ट होगा तो थोड़ा बहुत तो रहती है, बाकी आपको जैसे सस्पेंशन और आपके कंफर्ट को लेकर कोई भी इसमें समझौता नहीं किया गया है। तो ये जो सुजुकी के प्रोडक्ट होते हैं, जो लोग जानते हैं इन प्रोडक्ट के बारे में, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी भी फैन फॉलोइंग है। अब यहाँ पर काम की बात करते हैं भाई, शायद इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो 1,77,000 रुपये इसकी, भाई 1,77,000 आपने बताया, मैं देख लेता हूँ, हाँ इसमें लिखा हुआ 1,77,249 रुपये इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस है अयोध्या उत्तर प्रदेश की। और ये सभी बाइकें अवध सुजुकी निकट अवध यूनिवर्सिटी इलाहाबाद रोड पर ये शोरूम है, आप यहाँ पर आकर इस बाइक को खरीद सकते हैं, या फिर सुजुकी के किसी भी प्रोडक्ट को, चाहे वो बाइक हो या स्कूटर हो, आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। माइलेज की बात करें तो लगभग 40 से 50 के बीच में ये बाइक आपको देगी, क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स फेयरिंग वाली बाइक खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जैसा चलाएंगे वैसे ही इस बाइक में आपको माइलेज मिल जाएगी। तो मैंने आपको इसमें फीचर्स बताया, और अपडेट मैं आपको एक बार में बता दूं, जैसे ये BS6 फेज 2 अपडेट के साथ आई है, तो इंजन में जो रबड़ के पार्ट होते हैं उनको इसलिए बनाया, इस जैसे कि एथनॉल से चलने के लायक बनाया गया, तो ये इसमें अपडेट हुई है। बाकी जैसे कलर, नए ग्राफिक्स, इतनी सारी इस बाइक में अपडेट हुई है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। और इसका एक और कलर आता है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, उसके बारे में मैं उसको दिखाकर एक वीडियो बनाने वाला हूं। फिलहाल इस बाइक के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।